हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये है साइकिल। ये दो पहियों की साइकिल नहीं है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। ये चार पहियों वाली साइकिल है। दो पहियों वाली तो सबने देखी होगी। ये हमने न्यू एक्सपेरिमेंट कुछ किया है, दो पहियों और एक्स्ट्रा इसमें नीचे लगाए और इसको हम चला कर देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है, कैसे चलती है। चलाने के बाद पता चलेगा कि कैसे चलेगी। हो सकता है इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है क्या होने वाला है। हमने भी कभी ऐसी साइकिल पहले कभी चलाई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। हम भी इसको देखेंगे चला। चलो गाइस, रेडी? धक्का दो, चलो। गिरी। अब कितना सीधी रखो साइकिल, चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। दो दो और, दो रेस और, रेस और, स्पीड दो, स्पीड दो, स्पीड दो, दो स्पीड दो, छोड़ दो, साथ भाग के रहना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भागता चले आइयो, मैं बैठता हूँ। तो गाइस, एक बार और करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कैसा फील होता है। गाइस, रेडी 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 दो दो, जब तक मैं मना ना करूँ। और दो, और तेज, और तेज, और तेज। गाइस, देखा आपने क्या हुआ? साइकिल गिर गया, चल नहीं पाया, टायर पीछे हो गया इसका, मतलब कि जो नीचे का एंगल था वो पीछे आ गया और मैं भी गिर गया। तो एक बार देखते हैं फिर दोबारा से क्या होता है। अब इसका यहाँ से भी एंगल टूट चुका है, जैसा देख सकते हैं आप, टायर फंस चुका है एकदम। दोबारा देखते हैं, इसका जो एंगल था ये टूट गया इसका, जब हमने वेल्डिंग करवा रखी थी। अब टायर साइड में निकालते हैं इसका। वाओ गाइस, देखो टायर का क्या हाल हो गया, उसका वेल्ड जो टूट गया, अब टायर ऐसा हो गया है। एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने चला ली पहले, आपने जैसे शॉट देखे, लेकिन फेल नहीं हुआ, जैसा हुआ आपके सामने। तो गाइस, लगता है अभी से ऐसे ही हमें साइकिल पे लेके जानी पड़ेगी विली मारते हुए। वैसे मुझे तो विली मारनी नहीं आती, अगर आपको आती है तो कमेंट करके यस और नो बता दे। और जिसे भी विली मारनी आती हो वो साइकिल घर छोड़ने के लिए आ जाए, हम इसे ऐसे ही लेके जाएंगे। अब पहले टूट गई थी, टूटने के बाद हमने इसे वापस वेल्ड करवाया, इसको दोबारा से रेडी किया है। ये टूट चुकी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर से टूट चुकी थी। अच्छी चल रही है, मगर भारी चल रही है थोड़ा। ये जो टायर है ना, ये टायर इससे मिलकर चलता है ना, ये गरारी सिस्टम होता है, क्योंकि जब ये चलती है तो थोड़ा वेट लेकर भारी चलती है। खाली मैं चलाकर कोशिश करके देखता हूँ एक बार। ये देखो, ये थोड़ा भारी चल रही है और कुछ नहीं, ये आप देख सकते हैं। चलती होंगे तो फील भी आम साइकिल से हटके ही होगा। तो ये मगर स्लो स्लो चल रही है, इतना फास्ट तो नहीं चल रही है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ऊपर से काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। हाइट काफ़ी है, एक मंजिल पे बैठ के समझ लो ऐसा लग रहा है, जैसा कि मतलब आप लगा सकते हैं 8-9 फीट तक हाइट हो गई है इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साइकिल की हाइट कितनी है और मेरी हाइट कितनी है, आप जानते ही हैं मेरी हाइट ज़्यादा लंबी है, ठीक है, मतलब तो मैं इसके यहाँ तक आ रहा हूँ। अगर मेरी हाइट से कम कोई चलाता है
तो वो इसको मुश्किल से चला पाएगा, नहीं चला पाएगा इजीली, क्योंकि मैं इसको जब चला रहा हूँ मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मैं आपको बताऊंगा। एक तो हाइट इतनी है, और उतनी हाइट पर जब मैं चला रहा हूँ तो चलाते समय मुझे रेडी रहना होता है, इस चीज़ के लिए रेडी रहना होता है कि साइकिल कब रुकेगी, और रुकने के बाद मुझे करना पड़ेगा। उतरने के लिए मुझे टेक्निक यूज़ करनी है, वो टेक्निक से मुझे उतरना है, मैं ऐसे नहीं उतर सकता, कूद फांद के उतरूंगा या किसी गलत टेक्निक से अगर उतरूंगा तो चोट लग जाएगी। तो दूसरी चीज़ यह है, और एक चीज़ यह है कि जब चलाते हैं इसको बहुत हैवी, आपको जैसे मैंने दिखाया ये बहुत ही, ये देखिए मैं पूरा लटक जाऊंगा फिर भी इसका पेंडल नहीं, बहुत ही भारी पड़ रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ठीक है, मगर चलाने के लिए सही नहीं है सड़क पर, क्योंकि जब हम सड़क पर चलाएंगे तो हमें 100 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे पहले है हमारे के पैर नीचे आने चाहिए, और इस पर क्योंकि हमारे पैर नीचे नहीं आएंगे तो हम हर जगह ऐसे उतर नहीं सकते हैं, कोई बाइक सामने आ गई, कार सामने आ गई तो ऐसे उतरेंगे, इसलिए ये पब्लिकली तो फेल है। अगर ऐसा कोई बनाता है साइंटिस्ट या कोई भी आगे चल के, तो बेकार है, नहीं बन पाएगी, ये खाली एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ठीक है। तो जब हम इसको सड़क पर चलाएंगे तो ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, हाइट इतनी बढ़ जाएगी, ऊपर कहीं तार है, वायर है, जो भी चीज़ है वहाँ से हम नहीं गुजर सकते, तो ऐसा करके ये बहुत सारी परेशानी आएंगी सड़क पर। तो हमें बाकी यहाँ पर चलाने के लिए हमें ये बहुत ही पावर लगानी पड़ रही है, और जब उतरते हैं तो उतरते समय हम बातों का, उन चीज़ों का ध्यान रखना, टेक्निक से उतरना है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें काफ़ी हमने मेहनत करी है। और बाकी चढ़ने वढ़ने की प्रॉब्लम है, मगर है मजबूत, चढ़ने का थोड़ा वो है मगर मजबूत बना दिया हमने इसे, ये नहीं टूटेगी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, मरा मरा।